नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम जानेंगे 6 मार्च से 10 मार्च तक कैसा रहेगा प्रदेश का हाल। बिहार में एक सप्ताह तक राहत के बाद गर्मी एक बार फिर से बढ़ने लगी है। प्रदेश के सभी जिलों में पारा 1 से 1.5 डिग्री तक बढ़ोतरी हुई है। तापमान में हो रही वृद्धि से इसका सीधा असर न्यूनतम तापमान पर पड़ रहा है। राजधानी पटना में शुक्रवार को इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा और इस दिन का अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री दर्ज किया गया। ऐसे में आइए एक नज़र डाल लेते हैं बिहार में 6 मार्च से 10 मार्च तक कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। बिहार को जलवायु के क्षेत्र के हिसाब से 6 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। उत्तर पश्चिम बिहार, उत्तर मध्य बिहार, उत्तर पूर्व बिहार, दक्षिण पश्चिम बिहार, दक्षिण मध्य बिहार, दक्षिण पूर्व बिहार। और अब हम एक एक करके इन सभी जिलों के बारे में यानी कि इन सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानेंगे। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तर पश्चिम बिहार के बारे में। उत्तर पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिले हैं पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज। इसके तहत अगर हम मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से दी गई जो जानकारी है उसमें कहा गया है कि 6 मार्च को जो मौसम है शुष्क रहेगा। चेतावनी के रूप में इन्होंने बताया है कि कोई भी नई चेतावनी अलग से नहीं दी गई है। अगर हम अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान जो है वो 32 डिग्री रहेगी। अधिकतम तापमान 32 डिग्री से 34 डिग्री तक रहने का अनुमान है। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान जो है वो 14 डिग्री से 16 डिग्री तक रहेगी। वहीं अगर हम 7 मार्च की बात करें तो 7 मार्च को जो अधिकतम तापमान है वो 32 डिग्री से 34 डिग्री तक रहने की बात कही गई है और न्यूनतम तापमान जो है 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। अगर हम वही 8 मार्च की बात करें तो 8 मार्च को भी अधिकतम तापमान जो है वो 32 डिग्री से 34 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। वहीं अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो 15 डिग्री से 17 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। वहीं अगर हम 9 मार्च की बात करें तो 9 मार्च का जो अधिकतम तापमान होगा वह 33 डिग्री से 35 डिग्री तक होगा और न्यूनतम तापमान जो है 15 डिग्री से 17 डिग्री तक का होगा। वहीं अगर हम 10 मार्च की बात करें तो 10 मार्च का जो अधिकतम तापमान होगा वह 33 डिग्री से 35 डिग्री तक होगा और इसका जो न्यूनतम तापमान होगा 15 डिग्री से 17 डिग्री तक होगा। इसके साथ ही मौसम विभाग ने यह भी कहा कि अगले 2 दिनों तक इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। और वहीं अगर हम अगले क्षेत्र की बात करें तो उत्तर मध्य बिहार, इसके तहत आने वाले जिले हैं सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर। इसके अगर हम मौसम पूर्वानुमान की बात करें, किसी तरह की चेतावनी की बात करें तो मौसम विभाग ने कहा कि मौसम जो है शुष्क रहेगा और कोई नई चेतावनी की बात नहीं कही गई है। वहीं अगर हम उच्चतम तापमान और न्यूनतम तापमान की बात करें तो सबसे पहले 6 मार्च की बात करें तो इसका जो उच्चतम तापमान है वो 32 से 34 डिग्री रहने की बात कही गई है। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान जो है 14 से 16 डिग्री रहने की बात कही गई है। अगर हम 7 मार्च की बात करें तो इस दिन जो है अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान जो है 14 से 16 डिग्री रहने की बात कही गई है। वहीं अगर हम 8 मार्च की बात करें तो 8 मार्च के जो अधिकतम तापमान है वो 32 से 34 डिग्री रहने की बात कही गई है और न्यूनतम तापमान जो है 15 से 17 डिग्री रहने की बात कही गई है। वहीं अगर हम 9 मार्च की बात करें तो अधिकतम तापमान जो है 33 से 35 डिग्री रहने की बात कही गई है और न्यूनतम तापमान जो है 15 से 17 डिग्री रहने की बात कही गई है। वहीं अगर हम 10 मार्च की बात करें तो यहाँ इस दिन अधिकतम तापमान जो है 33 से 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान जो है 15 से 17 डिग्री रहने की बात कही गई है। इसके तरफ भी अगर मौसम विभाग ने आगे के 2 दिनों के अपडेट को लेकर कहा है कि कोई बड़ा बदलाव इसमें भी देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर हम उत्तर पूर्व बिहार की बात करें तो उत्तर पूर्व बिहार में सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से जिले हैं। तो इसमें सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया। इसमें अगर मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो इन्होंने भी कहा है कि मौसम जो है शुष्क रहेगा और चेतावनी के रूप में कोई नए अपडेट नहीं दिए हैं। और अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें 6 मार्च के अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो 31 डिग्री से 33 डिग्री के बीच में रहने की बात कही गई है और न्यूनतम तापमान जो है 17 से 19 डिग्री रहने की बात कही गई है। वहीं अगर हम 7 मार्च की बात करें तो अधिकतम तापमान जो है 31 डिग्री से 33 डिग्री तक रहने की बात कही गई है और न्यूनतम तापमान जो है 17 से 19 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। वहीं अगर हम 8 मार्च की बात करें तो 31 डिग्री से 33 डिग्री तक अधिकतम तापमान और 17 डिग्री से 19 डिग्री तक न्यूनतम तापमान रहने की बात कही गई है। वहीं अगर हम 9 मार्च की बात करें तो अधिकतम तापमान जो है 32 डिग्री से 34 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। वहीं अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो 17 डिग्री से 19 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। वहीं अगर हम 10 मार्च की बात करें तो 10 मार्च को जो है 32 डिग्री से 34 डिग्री तक न्यूनतम अधिकतम तापमान रहने की बात कही गई है। और वहीं अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो 17 से 19 डिग्री तक न्यूनतम तापमान रहने की बात कही गई है। इसमें भी मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 2 दिनों तक कोई बड़े बदलाव होने की संभावना नहीं है। तो ऐसे में जो मौसम विभाग की तरफ से बताई गई है
अगर हम अग्रे क्षेत्र की बात करें तो वह है दक्षिण पश्चिम बिहार। इसके तहत आने वाले जो जिले हैं उसमें है बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल। इसके जो पूर्वानुमान है, मौसम के पूर्वानुमान है, उसके अनुसार मौसम जो है शुष्क रहेगा। चेतावनी के रूप में भी कोई नए बदलाव नहीं हो रहे हैं, जो पहले से चले आ रहे हैं वही है। और इसके अगर अधिकतम न्यूनतम तापमान की बात करें तो 34 डिग्री अधिकतम तापमान, 34 से 36 डिग्री तक रहने की बात है। वहीं न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री रहने की बात है। ये 6 मार्च के अपडेट थे। 7 मार्च को अगर हम देखें तो इस दिन जो है 34 से 36 डिग्री तक रहने की बात है अधिकतम तापमान, और न्यूनतम तापमान जो है 16 से 18 डिग्री तक। वहीं अगर हम 8 मार्च की बात करें तो अधिकतम तापमान जो है 35 से 37 डिग्री रहने की बात कही गई है, और न्यूनतम तापमान जो है 17 से 19 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। वहीं अगर हम 9 मार्च की बात करें तो अधिकतम तापमान जो है 35 से 37 डिग्री रहने की बात कही गई है, और न्यूनतम तापमान जो है 15 से 17 डिग्री रहने की बात कही गई है। वहीं अगर हम 10 मार्च की बात करें तो इस दिन अधिकतम तापमान जो है 35 से 37 डिग्री रहने की बात कही गई है, और न्यूनतम तापमान जो है 17 से 19 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इसमें भी बताया गया कि आगे के 2 दिनों तक कोई बड़े बदलाव नहीं होंगे। वहीं अगर हम अगले क्षेत्र की बात करें तो यह है दक्षिणी मध्य बिहार। इसके तहत आते हैं राजधानी पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय और नवादा। इसमें भी मौसम के पूर्वानुमान है कि मौसम जो है शुष्क रहेगा, और चेतावनी के रूप में जो है कोई बड़े बदलाव नहीं दिए गए हैं। अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो वह 34 से 36 डिग्री रहने की बात कही गई है, और न्यूनतम तापमान जो है 16 से 18 डिग्री रहने की बात कही गई है। वहीं अगर हम 7 मार्च की बात करें तो इस दिन जो है अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री रहेगी, और न्यूनतम तापमान जो है 16 से 18 डिग्री रहने की बात कही गई है। वहीं अगर हम 8 मार्च की बात करें तो इस दिन अधिकतम तापमान जो है 35 से 37 डिग्री रहने की बात कही गई है, और न्यूनतम तापमान जो है 17 से 19 डिग्री रहने की बात कही गई है। अगर हम 9 मार्च की बात करें तो इस दिन जो है अधिकतम तापमान जो है 35 से 37 डिग्री रहने की बात कही गई है, और न्यूनतम तापमान जो है 17 से 19 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। वहीं अगर हम 10 मार्च की बात करें तो इस दिन जो है अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री रहने की बात कही गई है, और न्यूनतम तापमान जो है 17 से 19 डिग्री रहने की बात कही गई। इसमें भी मौसम विभाग ने कहा है कि आगे के 2 दिनों तक कोई बड़े बदलाव नहीं होने हैं। इसके बाद अगर हम सबसे आखिरी में दक्षिणी पूर्व बिहार की बात करें तो इसके तहत आने वाले जिले जो हैं कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया, इसमें मौसम पूर्वानुमान जो है वो भी बताया गया है कि शुष्क रहेगा। चेतावनी के रूप में कोई नए अपडेट जारी नहीं किए गए हैं। अगर हम 6 मार्च के अधिकतम और न्यूनतम तापमान को देखें तो इस दिन जो अधिकतम तापमान है वो 34 डिग्री से 36 डिग्री तक रहने का अनुमान है। इसके साथ ही इसका जो न्यूनतम तापमान है वो 17 से 19 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। वहीं अगर हम 7 मार्च की बात करें तो 7 मार्च का जो अधिकतम तापमान है वो 34 से 36 डिग्री है, और न्यूनतम तापमान जो है 17 से 19 डिग्री का है। वहीं अगर हम 8 मार्च की बात करें तो 8 मार्च का जो अधिकतम तापमान है वो 35 से 37 डिग्री रहने की बात कही गई है, न्यूनतम तापमान जो है 18 से 20 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। वहीं अगर हम 9 मार्च की बात करें तो 9 मार्च का जो अधिकतम तापमान है वो 35 से 37 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, वहीं जो न्यूनतम तापमान है वो 18 से 20 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। वहीं अगर हम 10 मार्च की बात करें तो इस दिन भी अधिकतम तापमान जो है 35 से 37 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, और न्यूनतम तापमान जो है 18 से 20 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि आगे के 2 दिनों तक कोई बड़े बदलाव नहीं हो सकते हैं। तो ये थे 6 मार्च से 10 मार्च तक के मौसम के अपडेट। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।